एक कीड़ा रास्ता पसार कर रहा था, क्रॉस कर रहा था रास्ता। भगवान व्यास जी ने योग शक्ति से उस कीड़े को पूछा, अपना सामर्थ्य दिया, तू जल्दी जल्दी क्या किसी बेटे की बारात में जाना है, हम ऑफिस में जाना है, दुकान पे जाना है, इतना जल्दी रास्ता पसार कर रहा है, क्या बात है रे कीड़ा। उसने बोला कि बैलगाड़ियों का आवाज सुना है, बैलों के घुंघरों का आवाज सुना है, अगर धीरे धीरे जाऊंगा तो मैं कुचल के मर जाऊंगा, इसलिए मैं जा रहा हूं जल्दी। मर जाएगा तो क्या घाटा पड़ेगा, सड़क के एक तरफ के गटर से नाली से निकला है और दूसरे तरफ जा रहा हूं, अभी नाली है तो मर जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, क्या दुनिया विदुर हो जाएगी तेरे बिना। बोले महाराज आप तो जानते हो कि ये जीव जिस शरीर में आता है उस शरीर को सुरक्षित रखता है। बोले देख अब इस शरीर को तो छोड़ दे, मैं तुझे अच्छा शरीर दूंगा, मान ले संत की बात, तेरा कल्याण होगा। कथा कहती कि उस कीड़े ने उस योग शक्ति की प्रसादी पाने से कुछ बुद्धि शुद्ध हुई होगी, मान ली बात और मर गया बैलगाड़ी से। समय पाकर उसे खरगोश की योनि मिली और उस खरगोश की योनि में भी भगवान व्यास की नजर उस पर पड़ी। समय पाकर खरगोश में से वो हिरण बना। अब हिरण को शिकारी ने भेदा तो शिकारी का दर्शन करते चिंतन करते वो मरा, और फिर हिरण का मांस शिकारी ने खाया तो वो शिकारण के गर्भ में आकर फिर वो स्वयं बच्चा बन गया, शिकारी का बच्चा बन गया। अब व्यास जी ने देखा कि मनुष्य शरीर में तो आ ही गया है, भले शूद्र कर्मों में शिकार छोटा कर्म है, शूद्र कर्मों में उलझता है, इसको थोड़ा दर्शन प्रश्न देकर उन्नत किया। समय पाकर वो कुशारु ऋषि के घर मित्रा माता के कुख से उसका जन्म हुआ और उसका नाम रखा मैत्री। वो 5 वर्ष का था और मैत्री को गुरुजी ने दीक्षा दे दी और दीक्षा से उसका अपना मैं मन और बुद्धि में ज्यादा विकसित हुआ और व्यास जी को ये अनुभव हुआ कि अब ये सुयोग्य हुआ है। व्यास जी ने कहा कि देख बेटा एक काम कर, कार्तिक क्षेत्र में नंद भद्र नाम का ब्राह्मण तप कर रहा है, जाओ उसको जरा उपदेश देकर उसको तप से निवृत्त करो। नंद भद्र से पूछा कि तुम तप क्यों कर रहे हो, बोले मैं तप इसलिए करता हूं कि जो झूठे कपटी बेईमान है वो मोज उड़ा रहे, जहां धर्म है वहां धार पड़ती और कसाई के यहां कुशलता, ऐसा क्यों, इसको जानने के लिए मैं तप कर रहा हूं। मैत्रेय ने थोड़ा तादात्म्य किया, गुरु दीक्षा का प्रभाव था, उसने कहा ये झूठ कपटिया बेईमानी के कारण सुखी नहीं है, पूर्व काल में उनका शुभ है वो अभी फल दे रहा है इसलिए सुखी है, और जो सच्चाई से चलते हैं ये इधर उधर तो वो सच्चाई के कारण दुखी नहीं है लेकिन अपने कार्य में कुशलता नहीं के कारण दुखी है, अथवा तो उनका प्रारब्ध पूर्व काल का ऐसा इसलिए दुखी है। अगर सच्चाई से दुखी ही होते तो सच्चाई से जीने वाले महापुरुष इतने सुखी क्यों, इतने कैसे पूजे जाते हैं, और झूठ कपट और बेईमानी से ही सुख होता तो भिखमंगा कितना झूठ बोलता है, कोई कम झूठ नहीं बोलते, वो भी लोबान लेके घूमते, खुदा ताला रोजी में बरकत दे करोड़पति हो जाओ, 10 साल से वो दुआ कर रहा है, वो बेचारा फुटपाथ पे है, अथवा तो एक कैबिन है वो भी टूट गई उसकी। तो झूठ कपट बेईमानी से अगर आदमी सुखी होता तो सारे झूठे कपटी बेईमान आदमी निर्दुख होते और सुखी आदमी बहुत दुखी होते और सच्चे आदमी दुखी होते। तो बेईमानी का फल सुख नहीं है, बेईमान आदमी को आप भले वो बेईमान आदमी हो लेकिन बेईमान आदमी भी अपना मुनिम तो ईमानदार चाहता है, ईमानदार तो ईमानदार को चाहता है, लेकिन बेईमान आदमी भी अपना रसोया ईमानदार चाहता है कि बेईमानी करके रसोया कुछ गड़बड़ ना कर दे, बेईमान आदमी भी अपना ड्राइवर ईमानदार चाहता है, बेईमान आदमी भी
अपना दोस्त ईमानदार चाहता है, ईमानदार तो ईमानदार को चाहते हैं, लेकिन बेईमान भी अपना नौकर, अपना सेक्रेटरी, अपना मुनीम, अपनी पत्नी हमसे ईमानदार रहे चाहते। तो बेईमानी के कारण आदमी सुखी या यशस्वी नहीं हो सकते। इस प्रकार के उसके सारे कुतर्क शास्त्रीय संगत तर्कों से मैत्रेय ने काट दिए। नंदभद्र ब्राह्मण ने, 80 साल के बूढ़े ने उस किशोर का आदर से पूजन किया और वो तप से निवृत्त हुआ। अब कहां वो चैतन्य के कीड़े में मैं मानकर एक नाली से दूसरे नाली में, और कहां वो मैत्रेय इतना तो महान पुरुष हो गया कि दुर्वासा ऋषि के चरणों में बैठकर उन्होंने होड़ा शास्त्र सीखा पारसर ऋषि से, खगोल का खूब अच्छा ज्ञान पाया, अध्यात्म विष्णु पुराण का खूब अच्छी तरह से उनको जाना। पुराणों में तुम पढ़ते होंगे मैत्रेय ऋषि का नाम आता है। तो यही चैतन्य है, तो कहीं कीड़ा बनकर लीला कर रहा है, तो कहीं खरगोश बनकर, तो कहीं हिरण बनकर, तो कहीं हाथी बनकर, तो कहीं मां बनकर, तो कहीं बाप बनकर, कहीं मित्र बनकर, कहीं शत्रु बनकर। चैतन्य तो वही का वही, मित्र भाव भी मन का है, शत्रु भाव भी मन का है। चैतन्य तो वही का वही, और हाथी और हिरण ये प्रकृति के स्थूल शरीर की आकृतियां हैं। तो जिसने अपने चैतन्य भाव में विश्रांति पाई, अनित्य शरीर को अनित्य माना, तो नित्य में विश्रांति मिलेगी। नित्य में विश्रांति मिलेगी तो नित्य नवीन आनंद, नवीन सुख और अनित्य का सदुपयोग, मुक्ति भुक्ति दोनों उसकी दासी बन जाएगी। नहीं तो तप से शक्ति मिलेगी, पुण्य से भोग मिलेंगे, अंत में तो समय बीतेगा। इसलिए उधर को तप तो करो, लेकिन तप का फल भोग नहीं, ऐश्वर्य नहीं। तप का फल तप ईश्वर को अर्पण करके नित्य जीवन के तरफ तप का सदुपयोग करना चाहिए, नित्य जीवन के लिए ज्ञान का सदुपयोग करना चाहिए। तो नित्य जीवन की प्राप्ति हुई तो अनित्य पदार्थ तो अपने आप खींच के आते हैं। जैसे सूर्य उदय होता है तो किसी को कहने थोड़े जाता कि फायदा लो। मधुमक्खी मधु इकट्ठी करती तो क्या और लोगों को आमंत्रण देती है कि ले जाओ मधु, अपने आप लोगों को लेने को आते। चांद चमकता, पूनम का चांद तो आराधनी शक्ति उसकी स्वाभाविक प्रकट होती और लोग फायदा लेते। ऐसे आप नित्य जीवन में आ जाएंगे तो आपके द्वारा जाने अनजाने अच्छे कार्य होने लगेंगे, और आप स्वयं जब पूर्ण सुखी होंगे तो दूसरे को सुखी देंगे, सुख देंगे। धन उसी से मिल जाता है जो धनवान है, जो कंगाल है वो क्या धन देगा। तो सुख उसी से मिलेगा जो सुखी है। तो जो नित्य जीवन में है वो सुखी है, और जो सुखी है ऐसे कन्हैये को देखकर पशु और मनुष्य, ग्वाल और गोपियां सुख पा लेते हैं। राम जी को देखकर लोग सुख पा लेते हैं, बुद्ध महावीर कबीर के संग में आकर लोग सुखी हो जाते हैं, महात्माओं के संग में आकर सुखी हो जाते हैं। तो सुख का तो आप भंडार हैं, सुख का तो वास्तविक, सुख का, ज्ञान का और नित्य जीवन का तो आप भंडार हैं। लेकिन अनित्य शरीर, अनित्य वस्तु, अनित्य परिस्थितियों में आसक्ति करके अपने नित्य से हम लोग भी मुख हो रहे हैं। इसलिए अनित्य को जो महत्व दिया है वो महत्व घटाकर नित्य को महत्व दो। कृष्ण ने कहा मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् एतदि सिद्धये, हजारों मनुष्यों में कोई सिद्धि के तरफ जाता है, अर्थात मनुष्यता से जीता है, पवित्रता से जीता है। ऐसे हजारों पवित्रता से जीने वालों में भी कोई कोई सिद्धि को पाता है, अंतःकरण की शुद्धि को। तपस्वी जीवन, संयमी जीवन, अंदर का संकल्प सामर्थ्य आदि। लेकिन संकल्प सामर्थ्य पाकर भी कोई स्वर्ग